Like, सभी बच्चों को नमस्ते प्रद्युमन नमस्ते आर्ची नमस्ते कृष्णा जी नमस्ते नेहल जी नमस्ते नंदनी नमस्ते जय जी नमस्ते नेहल जी नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते बोलो नमस्ते पहले बोलो, 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 बोलो नमस्ते बोलो ना नमस्ते बोलो पहले सभी बच्चे बोलेंगे नमस्ते नमस्ते कृष्णा नमस्ते जय जय श्री कृष्णा नमस्ते कृष्णा जी नमस्ते हेलो नमस्ते सर नमस्ते हेलो चले बेटा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसके बाद खेल चालू हो जाएगा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है रोड मैप हाँ जी नेहल नमस्ते रोड मैप ऑफ जीएसटी जीएसटी का रोड मैप समझना है अगर ये रोड मैप समझ में आएगा तभी आपको पूरा जीएसटी समझ में आएगा नहीं तो जीएसटी समझ में आएगा ही नहीं पक्की कर सकता हूं आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रोड मैप क्लियर है रोड मैप से ही अगर आप काम करोगे तो समझ में आएगा भाभी पोलिटिकल पार्टियां जो है ना वो रोड मैप बनाती है उसी के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ती है और फिर चुनाव जीत भी जाती है इसलिए रोड मैप को फॉलो करोगे तो जीएसटी सही समझ में आएगा रोड मैप को फॉलो नहीं करोगे तो जीएसटी समझ में आएगा ही नहीं इसलिए जीएसटी को समझने से पहले रोड मैप को समझना जरूरी है रोड मैप ऑफ जीएसटी चले कृष्णा बोलो ना कृष्णा हाँ सर चलो <coughs> इस रोड मैप के अंदर नो गेट है ये गेट नंबर वन है गेट नंबर टू गेट नंबर थ्री <coughs> गेट नंबर चार यस सर गेट नंबर पांच गेट नंबर छह गेट नंबर सात गेट नंबर आठ और गेट नंबर नो बाबू नो गेट है इसके इस रोड मैप को समझने के लिए नो गेट से गुजरना पड़ेगा आपको पहले गेट दूसरा गेट तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नवा तो बताइए पहले जीएसटी लॉ के प्रोविजन को पढ़ना चाहिए या पहले रोड मैप को पढ़ना चाहिए पहले चुनाव लड़ना चाहिए पहले चुनाव लड़ने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए बोल मुन्ना पहले चुनाव की so, तैयारी okay. करनी चाहिए रोड मैप बाबू रोड मैप बाबू रोड मैप बहुत जरूरी होता है रोड मैप के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी और बिना रोड मैप मैपे काम करोगे तो कोई पता नहीं क्या होगा यस सर रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी काम को चालू करने के लिए आपका एक आपका एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका एक रोड मैप होना चाहिए रोड मैप के अकॉर्डिंग काम करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और बिना रोड मैप के चलोगे पता नहीं क्या होगा चले हाज चलो चलो जी चलो देखिए नो गेट इस रोड मैप के अंदर नो चक्र नो चक्र सर्कल नो चक्र पहला पहले गेट में डिसाइड करेंगे कि गुड सर्विस है या नहीं है पहले गेट में डिसाइड करेंगे गुड सर्विस है या नहीं है. कोई बताएगा जीएसटी जीएसटी किस पे लगता है जवाब दीजिए सर जीएसटी गुड सर्विस सबसे पहले गेट में डिसाइड करेंगे गुड सर्विस है या नहीं है अगर आंसर आया कहा गया अगर आंसर आया yes में गुड तो सर्विस है और आंसर आया नो में जब गुड सर्विस ही नहीं है तो बताइए क्या जीएसटी लगेगा क्या नहीं जीएसटी नहीं लगेगा सर जीएसटी नहीं लगेगा तो तो है या नहीं है अगर गुड सर्विस है तो गुड सर्विस है और गुड सर्विस नहीं है गुड सर्विस ही नहीं है तो जीएसटी लगने की कोई बात नहीं होगी क्लियर है बोलो ना बेटा पहला गेट क्लियर है सर पहला गेट क्लियर है पहले गेट में डिसाइड करेंगे कि गुड सर्विस है या नहीं है अगर गुड सर्विस है तो यस सर बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है और गुड सर्विस ही नहीं है गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है तो जीएसटी की कोई बात नहीं होगी क्लियर है हाँ सर क्लियर है पहला गेट क्लियर है हा सर क्लियर अब गेट नंबर टू मान लीजिए गुड सर्विस है मान लो मान लो गेट नंबर वन से गेट नंबर वन से गुड सर्विस बन गई मान लो गुड सर्विस है तो चेक करेंगे अब 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 चेक 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 करेंगे अब सप्लाई चेक करेंगे करेंगे क्या बाबू सप्लाई सप्लाई है या नहीं है अगर सप्लाई है तो सप्लाई है अगर सप्लाई नहीं है जो रोज मेरी क्लास में आता है सप्लाई होना बहुत जरूरी है सप्लाई टैक्सेबल इवेंट थे अगर आपको याद हो गुड सर्विस तो है अगर आंसर आ गया यस में तो गुड सर्विस है और आंसर आ गया नो में नो का मतलब गुड सर्विस तो है लेकिन सप्लाई नहीं है जब सप्लाई नहीं है तो बताइए जीएसटी नहीं लगेगा आपको याद होगा

कि गुड सर्विस है या नहीं है दूसरे गेट में डिसाइड करेंगे सप्लाई है या नहीं है तो तीसरा गेट खोलेगा इंट्रा है या इंटर का अगर इंट्रा इंटर है तो बहुत बढ़िया बात है भाई साहब और अगर इंट्रा भी नहीं है और इंटर भी नहीं है इंट्रा भी नहीं है और इंटर भी नहीं है तो बाबू जीएसटी नहीं लगेगा बाबू लगता ही इंट्रा या इंटर पर ही जीएसटी लगता ही ही इंट्रा या इंटर पर है बाबू क्लियर है हाँ सर क्लियर है अब मान लीजिए गुड सर्विस सप्लाई भी बन गया इंट्रा या इंटर भी बन, गया, भी बन गया।, भी गया तो अब चेक करेंगे चेक करेंगे क्या, क्या चेक करेंगे सर करने वाला आदमी करने वाला आदमी रजिस्टर्ड पर्सन करने वाला आदमी टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है अगर करने वाला आदमी टैक्सेबल पर्सन है तो भाई साहब टू तो जीएसटी की लाइब्रिटी आ जाएगी और करने वाला आदमी टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो जीएसटी की लाइब्रिटी नहीं आएगी पहले बताइए चार गेट गेट क्लियर है पहले में क्या डिसाइड करेंगे बोलो ना बाबू पहले गेट में क्या डिसाइड करेंगे? करेंगे पहले गेट में डिसाइड करेंगे गुड सर्विस है या नहीं अगर है तो फिर चेक करेंगे सप्लाई है या नहीं है सप्लाई है तो फिर चेक करेंगे इंट्रा या इंटर है या नहीं है अगर है तो चेक करेंगे टैक्सेबल पर्सन कर रहा है या नहीं कर रहा अगर चार गेट में हाँ बोल गई गुड सर्विस भी है

सप्लाई भी है यस सर इंट्रा ही कर रहा हूं यार इंट्रा में काम कर रहा है जयपुर भी जयपुर में काम हो रहा है इंट्रा है यस सर गुड सर्विस भी है सप्लाई भी है इंट्रा भी है लेकिन मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्न दस लाख से या बीस लाख से या चालीस लाख से कम है तो बताइए मेरे पर जीएसटी की लाइब्रिलिटी आएगी या नहीं आएगी जवाब दो मेरे को जीएसटी देने की लाइब्रिलिटी आएगी नहीं आएगी सर नहीं आएगी गुड सर्विस है सप्लाई है इंट्रा या इंटर भी है लेकिन मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं इसलिए मेरे पर जीएसटी देने की लाइब्रिटी नहीं आएगी जैसे एक बार ठेले वाले की बात करें ठेले वाला ठेला वाला केला ले लो अमरूद ले लो ठेला वाला ठेला वाला गुड्स गुड्स में काम करता है यस सर सप्लाई भी कर रहा है यस सर इंट्रा मान लो यस सर लेकिन वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है बाबू जीएसटी की लाइब्रेटी कब आएगी गुड सर्विस होनी चाहिए सप्लाई होनी चाहिए गुड सर्विस होनी चाहिए सप्लाई होनी चाहिए इंट्रा या इंटर होनी चाहिए बाय टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए अगर ये चार कंडीशन पूरी होगी तभी आप पर जीएसटी की लाइब्रेटी आएगी नहीं तो आप पर जीएसटी की लाइब्रेटी नहीं आएगी पता ये समझ में आया कि नहीं आया नेहल बोल लो ना नेहल बोलो ना समझ में आया कि नहीं बाबू जीएसटी की लाइब्रेटी कब आएगी जब चार गेट में बोले हाँ चार गेट में बोले हाँ गुड सर्विस बने सप्लाई बने इंट्रा या इंटर बने भाई टेक्सेबल पर्सन बने तभी आप जीएसटी की लायबिलिटी आएगी नहीं तो आप जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी हाँ सर जरा एक बार रुचि मैम की बात करें हाँ सर रुचि मैम की बात करो रुचि मैम सर्विस दे रही है यस सर सप्लाई भी है यस सर इंट्रा भी है यस सर क्या रुचि मैम का पूछो फोन लगा के पूछो एक बार मेरे से घबराते हैं लोग जीएसटी से एक बार फोन लगा के पूछो मैम आपका मैम आप सर्विस में डील करते हैं मैम आप राजस्थान के अंदर सर्विस में डील करते हैं क्या आपका एग्रीगेट टर्न 20 लाख से ज्यादा है क्या फोन लगा, लगा के पूछो फोन लगा के पूछो मैडम को मैडम आपका एग्रीगेट टर्न 20 लाख से ज्यादा हो क्या अगर मैडम बोलती है, नहीं है मैडम नहीं है अगर मैडम का टर्न ओवर लाख से कम है आप समझिए मैं क्या बोलूंगा मैडम सर्विस में काम करती है यस सर सप्लाई कर रही है यस सर इंट्रा कर रही है यस सर लेकिन मैडम टैक्सेबल पर्सन नहीं है क्योंकि मैडम का टर्न मैडम मैडम का टर्न 20 लाख से कम है मैडम सर्विस में डील करती है और सर्विस का टर्न 20 लाख से कम है तो मैडम टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेगी सर्विस भी है सप्लाई भी है इंट्रा भी है लेकिन टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो बताइए क्या मैडम जी पर जीएसटी की लाइब्रिलिटी आएगी क्या गे गे? क्या मैडम पर जीएसटी की लाइब्रिलिटी आएगी क्या सर बोलो ना नहीं नंदनी नहीं आएगी नंदनी जीएसटी की लाइब्रिटी नहीं है रिलायंस कंपनी की बात करो यार रिलायंस कंपनी के बाद रिलायंस कंपनी गुड्स बेचती है यस यस सर सर सप्लाई है गुड्स में काम करती है यस यस सर सर सप्लाई भी है या सर। इंट्रा या इंटर करती है यस सर और रिलायंस कंपनी का टर्न तो अरबों में है तो बताइए रिलायंस कंपनी टैक्सेबल पर्सन है रिलायंस कंपनी टैक्सेबल पर्सन है तो बाबू रिलायंस कंपनी चारों कंडीशन पूरी करी है बताइए ना रिलायंस कंपनी पर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी बोल मुन्ना आएगी कि नहीं आएगी बताओ ना नंदनी बोलो ना तुमने तो बोलो ना सब बोलो भाई जीएसटी के बादशाह है हम जीएसटी पढ़ाने का होशियार आदमी आपको बता दो इसलिए कहते हैं चार कंडीशन पूरी होगी तभी आपका जीएसटी की लाइब्रेटी आएगी नहीं तो आपका जीएसटी की लाइब्रेटी नहीं आएगी क्लियर है बोलो ना बाबू क्लियर है हाँ सर के लिए गुड सर्विस होना चाहिए सप्लाई होना चाहिए इंट्रा या इंटर होना चाहिए और बाइक टेक्सेबल पर्सन होना चाहिए चार कंडीशन पूरी होगी तभी आप जीएसटी की लाइब्रेटी आएगी नहीं तो आप जीएसटी की लाइब्रेटी नहीं आएगी पहले बताइए सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ ना हाँ सर देख लो बताइए जीएसटी की लाइब्रेटी पहले गेट पे आ रही है या दूसरे गेट से आ रही है या तीसरे गेट से आ रही है या चौथे गेट से आ रही है बताइए जीएसटी की लाइब्रेटी कौन से गेट पर आ रही है जवाब दो जीएसटी की लाइब्रेटी पहले गेट से पर नहीं आती है एस टी की पहले गेट पर नहीं आएगी दूसरे गेट पर नहीं आएगी तीसरे गेट में नहीं आ रही चौथे गेट पर चौथा गेट खत्म होगा तब पता लगेगा कि आप जीएसटी की लाइब्रेरी आ रही है या नहीं आ रही चौथे गेट खत्म होने के बाद पता लगेगा कि आप जीएसटी की लाइब्रेरी आ रही है या नहीं आ रही पहले बताइए पास सब पहले बताओ चार गेट क्लियर है क्या जवाब दे दो बताओ ना चार गेट पास होंगे गुड सर्विस है

लेकिन मोदी जी ने क्या दे दिया ओए होए आ रखी है चार गेट के बाद जीएसटी की लाइब्रेटी आ गई लाइब्रेट आने के बाद चेक किया जाएगा मान लो मैंने चारों गेट पास कर लिए कृष्णा जीएसटी की लाइब्रेटी आ गई ना कृष्णा तुम बोलो आज चार गेट पास कर दिए मैंने कृष्णा मेरे पास जीएसटी की लाइब्रेटी आ गई ना गुड सर्विस भी है सप्लाई भी है इंटर या इंटर भी है बाई टैक्सेबल पर्सन भी है तो मेरे पर जीएसटी की लाइब्रेटी आ गई लेकिन मोदी जी ने अगर मेरे को लाइब्रेरी तो आ गई सर मेरे पर चार गेट पास कर दिए मेरे पे जीएसटी की लाइब्रेटी चेक किया जाएगा अगर गवर्नमेंट ने मेरे मेरे को को दे दिया तो जीएसटी अगर गवर्नमेंट ने एग्जामेशन दे दिया तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट ने एग्जामेशन नहीं दिया तो मोदी जी को जीएसटी मिलेगा तो बताओ लाइब्रेरी के बाद किसको चेक किया जाएगा एग्जामेशन को लाइब्रेरी आ रही है और मोदी जी ने एग्जामेशन दे दिया तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा और मोदी जी ने एग्जामेशन नहीं दिया तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा बाबू क्लियर है बताओ ना लाइब्रेरी के बाद क्या चेक किया जाएगा बोलो ना चार चार गेट के बाद जीएसटी की लाइब्रेरी तो आ गई अब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा एग्जामेशन पर मेरे पे तो लाइब्रेरी आ गई लेकिन सरकार को टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए चेक किया जाएगा एग्जामेशन अगर सरकार ने एग्जामेशन दे दिया तो मोदी जी को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार ने एग्जामेशन नहीं दिया तो मोदी जी को पूरा टैक्स मिलेगा बाबू क्लियर है बोलो ना सब मिलकर जवाब दो लाइब्रेरी के बाद क्या चेक किया जाएगा बोलो ना लाइब्रेरी के बाद चेक किया जाता है एग्जेम्शन लाइब्रेरी के बाद क्या चेक किया जाता है बोलो ना लाइब्रेरी के बाद चेक किया जाएगा तो जी को टैक्स नहीं मिलेगा तो लाइब्रेटी है और मोदी जी ने दिया नहीं। दिया नहीं, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा बाबू क्लियर है ना बोलो ना बाबू हाँ क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, 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 है पांच गेट बता दिए मैंने आपको अब आप मेरे को एक जवाब दे दो पूछू पूछू क्या पूछू

पांचवा गेट चेक किया जाएगा कि सरकार ने एग्जाम्शन दिया या नहीं दिया अगर दे दिया तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा एग्जेपन नहीं दिया तो सरकार को टैक्स तो मिल जाएगा क्लियर क्लियर है ना? क्लियर है ना हाँ सर क्लियर है चलिए अब एक बात बताना मेरे को पांच गेट के बाद ये पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा गुड सर्विस है सप्लाई है इंटर है टैक्सल पर्सन कर रहा है और एग्जम्शन भी नहीं है तो बताओ सरकार को टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा जवाब दो गुड सर्विस भी है सप्लाई भी है गुड सर्विस भी भी है है सप्लाई इंटर या इंटर भी है भी है है पर्सन कर रहा है और नहीं है, नहीं है तो बताइए मोदी जी को टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा जवाब दो मोदी जी को टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो ना जवाब दो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ जीएसटी से बचने के पांच गेट है पांच गेट से बाहर निकल गए तो मोजा ही मोजा पांच गेट से बाहर निकल गए तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा पांच गेट है गुड सर्विस नहीं बने गेट वन बन से बाहर सप्लाई नहीं बने गेट नंबर टू से बाहर इंट्रा या इंटर नहीं बने तीन से बाहर टैक्सेबल पर्सन नहीं बने चार से बाहर एग्जामेशन में आगे पांच से बाहर बताइए हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने कितने गेट है जवाब दो हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के कितने गेट है सर हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने पांच गेट है पांच गेट अगर पांच गेट से बाहर निकल गए तो फिर तो मोजा मो ही मोजा और पांच गेट से अगर बाहर नहीं निकले तो फिर तो जीएसटी देना ही पड़ेगा देना ही पड़ेगा पांच गेट से बाहर गुड सर्विस नहीं बने बाहर सप्लाई नहीं बने बाहर इंट्रा या इंटर नहीं बने बाहर टैक्सेबल पर्सन नहीं करे बाहर एग्जामिशन में आ गए बाहर तो बताइए हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के कितने गेट है जवाब दो मेरे को हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के सर पांच गेट है अगर पांच गेट में बाहर निकल गया तो फिर तो मोजा ही मोजा और अगर पांच गेट से बाहर नहीं निकला तो फिर तो जीएसटी देना ही पड़ेगा जीएसटी देना ही पड़ेगा जब जीएसटी देना ही पड़ेगा तो क्या जीएसटी जब देना पड़ेगा तो क्या जीएसटी को कंप्यूट नहीं करेंगे क्या जब जीएसटी देना ही है तो क्या जीएसटी को कंप्यूट नहीं करेंगे क्या बोलो ना बाबू बोलो ना सर जीएसटी देना है तो जीएसटी कंप्यूट करना पड़ेगा और जीएसटी कैसे कंप्यूट किया जाता है जो जो रोज मेरी क्लास में आता है

मल्टीप्लाई करेंगे जीएसटी रेट जो मेरी क्लास में रो हो जाता है बाबू बोलो ना बाबू ये आउटपुट जीएसटी हुआ या नहीं हुआ हेलो हेलो मुन्ना ओ तो बाबू जी अरे क्या गया यस सर सर जी नेट जीएसटी कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ टेक्सेबल सप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे जीएसटी रेट इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में से माइनस क्या करोगे बताए आईटीसी तो क्या निकल के आ जाएगा बाबू नेट जीएसटी आएगा या नहीं आएगा बताओ ना आउटपुट जीएसटी में से अगर आप इनपुट जीएसटी क्रेडिट ले लोगे आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को घटा दो उसी का नाम है नेट जीएसटी बताइए क्लियर है या नहीं जब आप दो क्लियर है कि नहीं बोलो ना बाबू क्लियर है हाँ सर क्लियर है छठा गेट में हो गया जीएसटी जीएसटी का कैलकुलेशन और सातवें गेट में बताया जाएगा जीएसटी कौन देगा छठे गेट में कैलकुलेशन हो गया सातवें गेट में बताया जाएगा सातवें गेट में बताया जाएगा जीएसटी कौन पे करेगा जीएसटी पे करने के दो आदमी है या तो पे करेगा सप्लायर या पे करेगा रेसिपेंट कौन पे करेगा अगर गुड सर्विस नॉर्मल चार्ज में आ रही है फॉरवर्ड नॉर्मल चार्ज इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज क्या बोलते हैं बाबू इसको फॉरवर्ड चार्ज ही बोलते हैं अगर गुड सर्विस नॉर्मल चार्ज में आ रही है तो जीएसटी पे करेगा सप्लायर और अगर गुड सर्विस अगर गुड सर्विस रिवर्स उल्टे गियर में आ रही है रिवर्स चार्ज में आ रही है तो जीएसटी पे करेगा बताइए रेसिपिएंट इसका मतलब अगर गुड सर्विस नॉर्मल चार्ज किए तो जीएसटी पे करेगा सप्लायर और गुड सर्विस अगर रिवर्स चार्ज किए तो जीएसटी पे करेगा रेसिपिएंट अब आप पूछोगे सर गुड सर्विस कब नॉर्मल चार्ज में आती है और कब रिवर्स चार्ज में आती है इसके बाद मैं आगे करूंगा कौन सी गुड सर्विस नॉर्मल चार्ज में आती है कौन सी गुड सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है इसका डिस्कशन में आगे करूंगा अभी तो इतना ही याद रखो अगर मामला नॉर्मल चार्ज का है गुड सर्विस नॉर्मल चार्ज में आ रहे हैं तो जीएसटी पे करेगा सप्लायर और गुड सर्विस अगर रिवर्स चार्ज में आ रही है तो जीएसटी पे करेगा रेसिपियंट बाबू क्लियर है बोलो ना बाबू हाँ सर क्लियर है क्लियर है थर्टी गेट में कैलकुलेशन हो गया सातवें गेट में बता दिया जीएसटी कौन पे करेगा गेट में कैलकुलेशन हो गया गेट में बता दिया जीएसटी गवर्नमेंट को कौन कौन देगा पे कौन करेगा? पे या तो करेगा सप्लायर या पे करेगा 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 या या तो सप्लायर अगर गुड सर्विस नॉर्मल चार्ज में आ रही है तो जीएसटी पे करेगा सप्लायर और जीएसटी अगर गुड सर्विस अगर रिवर्स चार्ज में आ रही है तो जीएसटी पे करेगा रेसिपेंट नॉर्मल चार्ज में कब आते हैं रिवर्स चार्ज में कब आते हैं इसका डिस्कशन आगे करेंगे क्लियर है बाबू बोलना बाबू क्लियर है जया जी बोलिए ना कृष्णा जी बोलिए ना निहल जी बोलिए ना समझ में आया yes, है नहीं आया सर क्लियर है क्लियर हाँ, है, है अगर नॉर्मल चार्ज का मामला है तो जीएसटी पे करेगा सप्लायर और रिवर्स चार्ज का मामला है तो जीएसटी पे करेगा रेसिपियंट चलो छठे गेट में कैलकुलेशन हो गया सातवें गेट में कौन पे करेगा आठवें में आठवें गेट में यह बताया जाएगा जीएसटी कब पे करेंगे जीएसटी कब जाता है आठवें गेट में बताया जाएगा जीएसटी कब जाएगा और इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई आठवें गेट में बताया जाएगा जीएसटी कब जाएगा जीएसटी कब देना होता है इसके लिए पढ़ाया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या पढ़ाया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई छठे गेट में कैलकुलेशन हो गया सातवें गेट में कौन पे करेगा आठवें गेट में बताया जाएगा जीएसटी कब पे किया जाता है कोई बताया कि इनकम टैक्स कौन से ईयर में जाता है जवाब दीजिए बाबू इनकम टैक्स कौन से वाले वर्ष में जाता है प्रीवियस ईयर में जाता है असेसमेंट ईयर में जाता है बोलो ना बाबू इनकम टैक्स कौन से ईयर में जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम होती है और टैक्स जाता है असेसमेंट ईयर में बोलो ना कृष्णा ईयर में जाता है इनकम ऑफ इनकम तो प्रीवियस ईयर की होती है और टैक्स जाता है असेसमेंट ईयर में ऐसे ही यहां पर भी बताया जाएगा यहां पर भी बताया जाएगा जीएसटी कब जाएगा जीएसटी कब जाएगा और इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई बाबू क्लियर क्लियर है है सर और लास्ट गेट में पढ़ाऊंगा लास्ट गेट में पढ़ाऊंगा जीएसटी की कंप्लेन जीएसटी में इनवॉइस का क्या सीन है जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जीएसटी की रिटर्न कैसे भरी जाती है जीएसटी में रिफंड कैसे क्लेम किया जाता है और जीएसटी के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है इन सबको बोलते हैं आई एम फोर आर आई एम फोर आर आई एम आर 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 आई एम फोर आर इसका मतलब ये जी एस टी की कंप्लाइंस होगी जीएसटी की हो गई इनवॉइस का क्या सीन होगा जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जीएसटी की की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है जीएसटी में रिफंड कैसे क्लेम किया जाता है जीएसटी में कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं इसको बोलते हैं जीएसटी की कम्पलाइंस बाबू क्लियर है हाँ सर क्लियर है कोई बताएगा कि जीएसटी की कंप्लायस आपके हिसाब से रजिस्टर्ड पर्सन करेगा या अनरजिस्टर्ड पर्सन पूरा करेगा जवाब दो रजिस्टर्ड सर अरे सर सर जी सर जी अनरजिस्टर्ड पर्सन तो अनरजिस्टर्ड पर्सन सर कैसे कैसे बातें करते हो सुबह सुबह चार से बाहर मतलब GST, GST का, का पेमेंट भी कौन करेगा रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा कब पे करेगा और जीएसटी की सारी कंप्लाइंस अब आप मेरे को पहले बताओ मेरे को पहले बताओ जीएसटी से बचने के कितने गेट जवाब दो जल्दी से बोलो जीएसटी के बचने के पांच गेट से नंदनी निण निण। आ, मेरी कृष्णा का कृष्णा पांच गेट से बाहर तो मोजा, तो निकल गया तो मोजा ही मोजा पांच गेट से बाहर निकल गया तो बाहर फूल बरसाओ पांच गेट से बाहर निकल गया तो जीएसटी नहीं लगेगा पहला गेट गुड सर्विस नहीं बने पहले गेट से बाहर सप्लाई नहीं बने दूसरे गेट से बाहर इंट्रा या इंटर नहीं बने तीन से बाहर गुड सर्विस नहीं बने पहले से बाहर सप्लाई नहीं बने दूसरे से बाहर इंट्रा या इंटर नहीं बने तीसरे से बार टैक्सेबल पर्सन नहीं करे चार से बार में आ गया पांच से बार। पांच गेट से, तो से अगर बाहर नहीं निकल सका तो फिर तो जीएसटी देना ही पड़ेगा पांच गेट से बाहर नहीं निकल सका तो जीएसटी देना ही पड़ेगा जब देना ही पड़ेगा तो छठे गेट में कंप्यूट किया जाएगा सातवें सातवें में यह बताया जाएगा कौन पे करेगा

पांच गेट से बाहर निकल गया तो नीचे का कोई काम नहीं होगा और पांच गेट से बाहर नहीं निकला तो छठा गेट भी होगा सातवा भी होगा आठवा भी, भी होगा और नवा भी आपको पूरा करना पड़ेगा दे अब वो जरा एक बार एल की आकाश की बात करते आकाश कोचिंग सेंटर की बात करते हैं आकाश कोचिंग सेंटर की बात कर ले बताऊ ना आकाश कोचिंग सेंटर की बात कर ले आकाश कोचिंग सेंटर का नाम सुना है क्या जवाब दो बेटा आकाश कोचिंग सेंटर नाम साइंस वाले हाँ सर आकाश सर्विस में काम करता है यस सर। सप्लाई करता है पैसे लेता है यस सर सर्विस में काम करता है यस सर सप्लाई भी करता है यस सर इंट्रा या इंटर करता है यस सर बाई टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं आकाश बताइए आकाश टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं आकाश का एग्रीगेट टर्नओवर लाख लाखों करोड़ों में है तो सर्विस भी है अप्लाई भी है इंट्रा या इंटर भी है पर्सन भी है और आकाश कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर एग्जामेशन में नहीं है जितने भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनको कोई एग्जामेशन नहीं मिलता सर आपको कैसे मालूम मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए मालूम मेरे को सर्विस भी है सप्लाई भी है इंट्रा या इंटर भी है टेक्सबल पर्सन भी है और एग्जामेशन में नहीं आ रहा तो so, बताइए आकाश क्या पांच गेट से बाहर निकल गया क्या

छठा सातवा आठवा नवा छह सात आठ नो तभी लगेंगे जब पांच गेट से बाहर नहीं निकले बाबू क्लियर है ना छत आठ नो छत आठ नो ये चार गेट लास्ट के छह सात आठ नो ये तभी लगेंगे जब वो पांच गेट से बाहर नहीं निकलेगा अगर पांच गेट से बाहर निकल गया तो बात ही खत्म हो गई पांच गेट से बाहर निकल गया तो अब तो बात ही खत्म हो गई अगर पांच गेट से बाहर नहीं निकला तो छठा भी लगेगा सातवा भी लगेगा आठवा भी लगेगा और नवा भी लगेगा बताइए समझ में आया कि नहीं है बताओ ना समझ में आया कि नहीं है बताओ ना सब मिलके बोली बाबू यार अकेला हमें हम बोल रहे हैं तुम भी तो चैट करके बोलो ऐसा मत करो कम से कम बताइए अगर पांच गेट से बाहर निकल गया तो फिर तो मोजा ही मो अगर पांच गेट से बाहर नहीं निकला तो जीएसटी देना ही पड़ेगा और जीएसटी देना ही पड़ेगा तो छठे में कैलकुलेशन होगा सात के अंदर कौन पे करेगा आठ के अंदर कब पे करेगा और नब्बे में कंप्लाइंट पूरी करनी पड़ेगी बताइए छठा सातवा आठ गेट आठवा छठा सातवा आठवा और नवा ये चार गेट तभी लगेंगे जब पांच गेट से बाहर नहीं निकले पांच गेट से बाहर निकल गया तो बात ही खत्म हो जाएगी और पांच गेट से बाहर नहीं निकला तो बाबू छठा भी लगेगा सातवा भी लगेगा आठवा भी लगेगा और नवा भी लगेगा बताइए क्लियर है या नहीं बताइए बता ना क्लियर है कि नहीं बताइए ना क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर क्लियर अब मैं क्या पढूंगा आप समझ गए भाई साहब हिंदुस्तान में एक के बाद बोलूं भाई साहब एक की बात बोलूं हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के पांच गेट कोशिश करो पांच गेट से निकल जाओ कोशिश करो पांच गेट से निकल जाओ पांच गेट से निकल गए तो फिर तो मोजा ही मोजा और पांच गेट से नहीं निकले तो गए काम से पांच गेट से नहीं निकले तो फिर तो जीएसटी देना ही पड़ेगा जब देना ही पड़ेगा तो छठे में कैलकुलेशन होगा सात कंदर कौन पे करेगा आठ में कब पे करेगा और नब्बे में आपको कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेगी यस सर आप बताइए पूरा रोड मैप समझ में आया या नहीं आया जवाब दे दो बेटा ये रोड मैप पूरा क्लियर है या नहीं है बोलो ना बाबू ये रोड मैप क्लियर है कि नहीं बोलो बेटा बोलो ना ये पूरा रोड मैप समझ में आया नहीं बताइए ना हाँ सर ये रोड मैप समझ में आ गया आखिरी बार पूछूंगा हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के कितने गेट है पांच सब मिलके बोलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा पांच गेट है गुड सर्विस नहीं बने गुड सर्विस नहीं बने गुड सर्विस नहीं बने क्या बात है गुड सर्विस अरे भाई आ जा रहे क्यों खुल जा हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के पांच गेट है बाबू पांच गेट है हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के कितने गेट है पांच अरे क्या हो गया तेरे खुल जा पांच गेट है कौन कौन से गेट है सर एक बार बताओ ना गुड सर्विस नहीं बने पहले गेट से बाहर सप्लाई नहीं बने दूसरे गेट से बाहर इंट्रा या इंटर नहीं बने न इंट्रा है ना इंटर है नहीं बने तीसरे गेट से बाहर गुड सर्विस नहीं बने पहले से बाहर सप्लाई नहीं बने दो से बार इंट्रा या इंटर नहीं बने तीन से बार एग्जामिशन में सॉरी टैक्सेबल पर्सन नहीं कर रहा चार से बार और एग्जामिशन में एग्जामिशन में आ गया आ गया तो पांच से बार तो बताइए हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के पांच गेट है अगर पांच में से किसी भी गेट में बाहर निकल गया तो मोजा ही मोजा किसी भी गेट से बाहर निकल गया तो जीएसटी नहीं लगेगा है गुड सर्विस नहीं बना जीएसटी नहीं लगेगा सप्लाई नहीं बना जीएसटी नहीं लगेगा इंट्रा या इंटर नहीं बना जीएसटी नहीं लगेगा टैक्सेबल पर्सन नहीं बना जीएसटी नहीं लगेगा एग्जामेशन में आ गया जीएसटी नहीं लगेगा अब तो बता दो जीएसटी से बचने के कितने गेट हैं जीएसटी नहीं लगने के कितने गेट हैं बोल मुन्ना मेरे प्यारे प्यारे मेरे काले तेरे बैंगने जो भी हैं बोल मुन्ना बोल यस सर हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के पांच ही गेट हैं पांच गेट में बाहर निकल गया तो मौज आ ही मौज अगर पांच गेट से बाहर नहीं निकला इस गेट से इस गेट से बाहर नहीं निकला अगर सारो गेट क्लियर कर दिए सारे गेट क्लियर कर दिए तो बाबू अब जीएसटी अब यहां तो नहीं लगेगा जीएसटी यहां जीएसटी लग जाए गुड सर्विस है सप्लाई है इंट्रा या इंटर है टैक्सेबल पर्सन कर रहा है और एग्जंपशन में नहीं आया तो बताओ जीएसटी देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा बताओ ना बाबू फूड सर्विस भी है सप्लाई भी है इंट्रा या इंटर भी है टैक्सेबल पर्सन कर रहा है और एग्जामेशन में नहीं आया बाबू जीएसटी देना पड़ेगा कर, देना पड़ेगा देना पड़ेगा और जब देना पड़ेगा तो छठे गेट में कैलकुलेशन होगा सात के अंदर कौन पे करेगा आठ में कब पे करेगा और नवे में पढ़ाऊंगा कंप्लाइज बताइए समझ में आया कहीं है बताओ ना अगर जीएसटी देना ही है तो छठे में कैलकुलेशन होगा सात में कौन पे करेगा आठ में कब पे करेगा और नवे में पढ़ाऊंगा जीएसटी की कंप्लाइज बताइए समझ में आया कहीं अब तो बता दो यार अब तो बता दो पांच गेट से बाहर निकलेगा तो बात खत्म हो जाएगी और पांच गेट से बाहर नहीं निकला तो बाबू फिर तो आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा पांच गेट से बाहर नहीं निकला तो जीएसटी देना ही पड़ेगा और जीएसटी देना ही पड़ेगा तो छठे गेट में कैलकुलेशन होगा सातवें गेट में कौन पे करेगा आठ के अंदर कब पे करेगा और नब्बे में जीएसटी की कंप्लेट समझाऊंगा बाबू क्लियर है सारी क्लास बोलो यहां तक कि सारा रोड मैप समझ में आया कि नहीं है बताओ ना सारा रोड मैप क्लियर है या नहीं जवाब दू बेटा जवाब दो मेरे को रोड मैप क्लियर है या नहीं है कृष्णा सारी क्लास जवाब देंगे तुम भी बोलो जया नेहल कृष्णा नंदनी आरती सब बोलो ये पूरा रोड मैप ये नो गेट क्लियर है या नहीं नो गेट क्लियर है कि नहीं कोई बताएगा लास्ट के चार गेट कब लगेंगे छठा सातवा आठवां नवा गेट कब लगेगा जवाब दो छठा सातवा आठवा नवा गेट कब लगेगा जब पांच गेट में पांच गेट से बाहर नहीं हुआ पांच गेट से बाहर हो गया तो खत्म और पांच गेट से बाहर नहीं हुआ पांच गेट से बाहर नहीं हुआ तो छठा भी लगेगा सातवां भी लगेगा आठवां भी लगेगा और नवा भी लगेगा बाबू क्लियर है ना बोलो ना बाबू क्लियर है हाँ सर क्लियर है अब ये जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं बेटा ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे सच बता रहे हैं हम उनको होश नहीं है। वो भाई सब कोई सा भी चैप्टर चालू कर देंगे जब मन में आज कोई चैप्टर पर ऐसा पता ही ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना कृष्णा बताइए कृष्णा अगला चैप्टर गुड सर्विस का पढ़ना चाहिए यस सर कृष्णा अगला चैप्टर सप्लाई का पढ़ना चाहिए यस सर कृष्णा अगला चैप्टर इंट्रा या इंटर का पढ़ना चाहिए यस सर कृष्णा अगला चैप्टर सप्लाई का पढ़ना सॉरी अगला चैप्टर टैक्सेबल पर्सन का पढ़ना चाहिए यस सर कृष्णा अगला चैप्टर अगला चैप्टर गुड सर्विस का सप्लाई का इंट्रा या इंटर का पर्सन का कृष्णा अगला चैप्टर एग्जामिशन का पढ़ना चाहिए कृष्णा अगला चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पढ़ना चाहिए कृष्णा अगला चैप्टर अगला चैप्टर कृष्णा कौन पे करेगा जीएसटी पढ़ना चाहिए कब पे करेगा जीएसटी पढ़ना चाहिए और आखिरी के अंदर कंप्लाइंस पढ़नी पता है चैप्टर भी ऐसे पढ़ने चाहिए ना चाहो बताओ जरा बताओ सारे चैप्टर रोड मैप के अकॉर्डिंग पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए बताइए जैसा रोड मैप है वैसे ही काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा गुड सर्विस का अगला पढ़ाऊंगा सप्लाई का उसके बाद पढ़ाऊंगा इंट्रा या इंटर का उसके बाद पढ़ाऊंगा टैक्सेबल पर्सन का उसके बाद पढ़ाऊंगा एग्जामिशन का उसके बाद जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा कौन जीएसटी पे करेगा कब जीएसटी पे करेगा और लास्ट में पढ़ाऊंगा जीएसटी की कंप्लाइन बताइए जैसे रोड मैप है वैसे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए सर जैसा रोड मैप है वैसा ही पढ़ना चाहिए नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा बाबू क्लियर है बताओ और बाजार में मार्केट में भाई साहब पहला चैप्टर चालू करते पहला चैप्टर चालू करते भाई साहब टैक्सेबल पर्सन का गलत है या नहीं है गलत है कि नहीं बाबू जैसा रोड मैप है वैसा ही पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए बोलो ना सर अपन कैसे पढ़ेंगे अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे ये तो बेसिक का चैप्टर था ना ये तो मालूम है ना बेसिक का चैप्टर खत्म हो गया ये तो सर बेसिक का चैप्टर था अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा गुड सर्विस का फिर पढ़ाऊंगा सप्लाई का चैप्टर फिर पढ़ाऊंगा इंट्रा या इंटर फिर पढ़ाऊंगा टैक्स प्रेपर्सन फिर पढ़ाऊंगा एग्जामिशन फिर पढ़ाऊंगा कंप्यूटेशन जीएसटी फिर पढ़ाऊंगा कौन पे करेगा जीएसटी फिर पढ़ाऊंगा कब पे करेगा जीएसटी फिर पढ़ाऊंगा कंप्लाइंस बताइए जिस दिन ये यहां तक पढ़ा दूंगा उस दिन आपका जीएसटी का सिलेबस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा बताइए रोड मैप जिस दिन नौ गेट खत्म हो जाएंगे जिस दिन ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे उस दिन आपका जीएसटी का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा बोल समझ में आया कि नहीं आया बोल ना बाबू समझ में आया बताइए रोड मैप के पता ना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए हाँ सर जैसा रोड मैप बनाया है वैसे ही पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कोई बताया अगला चैप्टर सब कहा बोलो अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे ये तो पहला चैप्टर बेसिक का था वो तो खत्म हो गया पहला चैप्टर बेसिक का था वो तो खत्म अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे गुड सर्विस का गुड सर्विस किसे कहेंगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे सप्लाई का अगला चैप्टर पढ़ेंगे सप्लाई की बात क्या पढ़ेंगे इंट्रा या एंटर का अगला पढ़ेंगे टैक्सेबल पर्सन का अगला पढ़ेंगे एग्जाम का अगला पढ़ेंगे जीएसटी का कैलकुलेशन अगला पे कौन पे करेगा अगला पे करेंगे कब पे करेगा और गेट के अंदर पढ़ेंगे नवे गेट के अंदर पढ़ेंगे जीएसटी की कंप्लाइंस आई एम फोर आर नवे गेट के अंदर पढ़ेंगे जीएसटी की कंप्लाइंस आई एम फोर आर बताइए जैसा रोड रोडमेप बनाया वैसे वैसे चैप्टर पढ़ेंगे बताइए ऐसा पढ़ने से बताइए पूरा जीएसटी सिस्टमेटिक होगा कि नहीं होगा ऐसा पढ़ने ऐसा पढ़ने से पूरा जीएसटी बताइए सिस्टमेटिक पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ऐसा करने से पूरा जीएसटी सिस्टमेटिक हो जाएगा और मार्केट में मार्केट में भाई साहब पहले ये पढ़ा रहे टैक्सेबल पर्सन बताइए टैक्सेबल पर्सन तो चौथा गेट है जब सिर को किसी बच्चे को गुड सर्विस नहीं मालूम है सप्लाई नहीं मालूम है इंट्रा नहीं मालूम और पढ़ा रहे हैं टैक्सेबल पर्सन सही है या गलत है एकदम गलत है गुड सर्विस बनेगा तो सप्लाई चेक होगा सप्लाई बनेगा तो इंट्रा या इंटर चेक होगा और इंट्रा या इंटर चेक होगा फिर टैक्सेबल पर्सन चेक होगा इसलिए जैसा रोड मैप है वैसे ही ही चैप्टर चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जैसा रोड मैप है है वैसा पढ़ाया जाएगा बाबू क्लियर बोलो ना बाबू क्लियर है या नहीं जवाब दो मेरे को बाबू क्लियर है क्लियर है बोलो ना पहले बताइए पूरा रोड मैप क्लियर है कि नहीं पहले बताइए पूरा रोड मैप क्लियर है या नहीं बताओ ना पूरा रोड मैप क्लियर है या नहीं बोलो बेटा पूरा रोड मैप क्लियर है कि नहीं क्लियर है पूरा रोड मैप क्लियर है ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना हाँ सर नहीं और जैसा रोड मैप है वैसा ही पढ़ाया जाएगा आराम से बोलो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या होगा ये तो ये तो ये, तो, ये पहला चैप्टर तो बेसिक तक खत्म हो गया पहला चैप्टर बेसिक का था वो तो खत्म अगला चैप्टर का नाम क्या होगा बताइए अच्छा बताया अगले चैप्टर का नाम क्या नाम होगा उसके अगले चैप्टर का क्या नाम होगा बताओ ना उसके अगले चैप्टर का नाम क्या होगा सप्लाई अच्छा बताओ उसके अगले चैप्टर का नाम क्या होगा अगले वाले लिख दू हाँ अच्छा अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे गुड सर्विस उसके बाद क्या पढ़ेंगे बोलो ना उसके बाद क्या पढ़ेंगे सप्लाई उसके बाद क्या पढ़ेंगे इंट्रा या एंटर इंट्रा या एंटर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ ना उसके बाद क्या पढ़ेंगे टैक्सेबल पर्सन उसके बाद क्या पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे एग्जेंशन बताइए एक, एक बात ये, ये सब ये सब सिस्टमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ ना ये सब सिस्टमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा हाँ सर ये सब सिस्टमेटिक हो रहा है अगला पढ़ेंगे एग्जेंशन अच्छा बताओ अगला क्या पढ़ेंगे अगला क्या पढ़ेंगे ओए होए मेरे बच्चा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी छठे गेट में कंप्यूट करेंगे अच्छा सातवें में क्या पढ़ेंगे कौन पे करेगा आठवें में क्या पढ़ेंगे कब पे करेगा कौन पे करेगा कब पे करेगा में क्या पढ़ेंगे में क्या पढ़ेंगे नवे में पढ़ेंगे जीएसटी की कंप्लाइंस जीएसटी की क्या पढ़ेंगे कंप्लाइंस कंप्लाइंस में कितनी पढ़ पढ़नी है आई एम आर 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 और आर आई एम फोर आर पढ़ेंगे ना आई बोले तो बोलो आई बोले तो इनवॉइस का क्या सीन है आई बोले तो इनवॉइस एम बोले तो मैनर ऑफ पेमेंट आर बोले तो रजिस्ट्रेशन आर बोले तो रिटर्न आर बोले तो रिफंड और R बोले तो रिकॉर्ड आई रिटर्न आई का मतलब इनवॉइस का क्या सीन है मैनर ऑफ पेमेंट कैसा होगा रिटर्न कैसे भरी जाती है रिटर्न रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होते हैं रिफंड है और रजिस्ट्रेशन है आई एम पोर आर पढ़ना है आई एम फोर पहले बताइए ऐसे ही पढ़ना चाहिए पूरा चैप्टर हाँ सर ये ऐसे पढ़ना पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे और फिर फिर ये पढ़ेंगे 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे ही पढ़ेंगे एक बात तो आपने समझा दी मेरे को कि सर अपन ऐसे ही पढ़ेंगे अपन मार्केट की जैसे नहीं पढ़ेंगे सर अगला चैप्टर पढ़ेंगे गुड सर्विस का फिर पढ़ेंगे सप्लाई का ऐसे ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे अब एक बार बताइए पहले बताओ ये सारे गेट क्लियर है अच्छा एक बार एक बार और पूछ लू बताइए जीएसटी से बचने के कितने गेट जीएसटी से बचने के बचने के कितने गेट हैं कितने गेट हैं बताओ ना कितने गेट हैं बोलो ना पांच पांच गेट से बाहर निकल गया ना तो जीएसटी नहीं लगेगा कोई बताएगा पांच गेट से नहीं निकला तो जीएसटी देना पड़ेगा देना पड़ेगा तो छठे में कैलकुलेशन होगा सात में कौन पे करेगा आठ के अंदर कब पे करेगा और नब्बे में पड़ेंगे कंप्लाइंस बाबू क्लियर है बोलो ना बाबू हाँ सर क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक <coughs> है कोई ये लास्ट में मेरे को बता दो जीएसटी की कंप्लाइंस सभी लोग पूरी करेंगे या रजिस्टर्ड पर्सन पूरा करेगा रजिस्टर्ड पर्सन का नाम होता है टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी की सारी जीएसटी का इनवॉइस है, जीएसटी का पेमेंट है जीएसटी की रिटर्न है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है रिकॉर्ड जो भी है ये जीएसटी की कंप्लाइंस कौन पूरा करेगा रजिस्टर्ड पर्सन करेगा टैक्सेबल पर्सन करेगा यस सर एक बात दूसरी बात आराम चलना बेटा पहले तो यहां तक क्लियर है ना नो no गेट पढ़ने पढ़ो अच्छा ये तो क्लियर है सर जीएसटी की सारी तो कंप्लाइंस तो 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 में आएगा ही नहीं ना और जो निकल ही गया वो अंदर कहां से रहेगा हाँ सर अनरजिस्टर्ड पर्सन गेट नंबर चार से बाहर निकल गया इसलिए जीएसटी की कंप्लाइंस तो रजिस्टर्ड पर्सन ही पूरा करेगा जीएसटी के कंप्लाइंस टैक्सेबल पर्सन पूरा करेगा रजिस्टर्ड पर्सन और याद रखना नॉर्मली Normally registered person और taxable person same ही होगा ना याद आया कुछ आपको जिस पर रजिस्ट्रेशन की है 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 उस पर tax है पर है, उस पर 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 की 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 भी भी याद आया कुछ जिस तो और ही ही बेटा हाँ सर जो रजिस्टर जिस पर रजिस्ट्रेशन की लाइब्रिटी है वही टैक्सेबल पर्सन है कोई, कोई बताएगा रजिस्ट्रेशन की लाइब्रिटी किस पर आती है जब आप दो जरा? जिसका एग्रीगेट टर्न ऑफ दस लाख से ज्यादा है लाख से ज्यादा है या चालीस लाख से ज्यादा है उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा और उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा बाबू क्लियर है हाँ सर जिसका एग्रीगेट टर्न 10 दस लाख से ज्यादा है या बीस लाख से ज्यादा है या चालीस लाख से ज्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा लेकिन जिसका एग्रीगेट टर्न ओवर लाख से कम है बीस लाख से कम है चालीस लाख से कम है तो वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और फिर जीएसटी भी नहीं देना पड़ा और बताओ जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा बाबू क्लियर है रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा और नहीं देना पड़ेगा तो वो गेट नंबर चार से बाहर निकल जाएगा बाबू क्लियर है ना बोल मुन्ना क्लियर है हाँ सर क्लियर है मुन्ना ए मुन्ना बाबू जी क्लियर है ना हाँ सर क्लियर है जिस पर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी है वही टैक्सेबल पर्सन है जिस पर रजिस्ट्रेशन की लाइब्रिटी नहीं है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है पता है गेट नंबर no के अंदर कौन से पर्सन पर्सन का क्या, क्या, person का गुणगान किया गया टैक्सेबल जो registration, जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की वही टैक्सेबल पर्सन बनेगा और जिस पर रजिस्ट्रेशन की लाइब्रिटी नहीं है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेगा नहीं बनेगा क्लियर है बाबू बोलो ना बाबू क्लियर है हाँ सर क्लियर है पर्सन लाइबल लाइबल टू रजिस्ट्रेशन वही बनेगा टैक्सेबल पर्सन क्लियर है जिस पर रजिस्ट्रेशन की लाइब्रिटी है वही टैक्सेबल पर्सन बनेगा और जिस पर रजिस्ट्रेशन की लाइब्रिटी नहीं है वो टैक्सेबल पर्सन भी नहीं बनेगा तो क्लियर है टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेगा तो गेट नंबर चार से बाहर टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेगा तो गेट नंबर चार से बाहर बताइए मैं कौन से गेट से बाहर निकल रहा सर्विस है मैं सर्विस में काम करता हूं सप्लाई भी है इंट्राई करता हूँ लेकिन मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ क्या सर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं हूं मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं हूं तो मैं टैक्सेबल पर्सन भी नहीं बनूंगा जब मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं बनूंगा तो मैं गेट नंबर चार से बाहर निकल गया बताइए मेरे पर मेरे पर मेरे को जीएसटी देना होगा नहीं देना होगा मेरे को जीएसटी देना होगा नहीं देना होगा सर आपको जीएसटी नहीं देना सर आपको जीएसटी नहीं भाइया अब मैं रुकूंगा आप जाते हो जवाब दे दो हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के कितने गेट है देखो ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे जाके अटकोगे आप हिंदुस्तान में जीएसटी से बचने के पांच गेट है पांच गेट से बाहर निकल गए तो बहुत बढ़िया बात है पांच गेट से बाहर नहीं निकले तो जीएसटी देना पड़ेगा पांच गेट से बाहर नहीं निकले तो जीएसटी देना पड़ेगा जब जीएसटी देना ही है जब जीएसटी देना ही है तो छठे गेट में कैलकुलेशन होगा सात के अंदर कौन पे करेगा आठ के अंदर कब पे करेगा और नब्बे के अंदर कंप्लाइंस पढ़ाऊंगा बाबू क्लियर है हाँ सर क्लियर है क्लियर है एक चीज पूछता हूं आपसे पूछू रजिस्ट्रेशन करवाने की लिमिट क्या क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने की लिमिट क्या है याद है चार में अलग थी लिमिट छह स्टेट में लिमिट अलग थी याद आया कुछ आपको याद आया कुछ चार में लिमिट अलग छह में अलग थी और रेस्ट में अलग थी चार में याद आया कुछ आपको पहला बेसिक का चैप्टर पढ़ाया था बाबू बताऊं क्या आपको बताऊँ सर बता दो हम तो पढ़ते भी नहीं है अच्छा पढ़ते नहीं हो पढ़ते नहीं हो तो पढ़ लो ये ले बाबू पढ़ ले तू पढ़ ले पढ़ ले ये पढ रजिस्ट्रेशन की लिमिट बताऊं हाँ सर बता दो एक बार दस लाख बीस लाख चालीस लाख बताऊं हाँ सर बता दो दस लाख बीस लाख चालीस लाख बताऊं हाँ सर बता दो सर बता दो मैं पढ़ा तो सही रहा हूं ना तुमको बोलो ना नंदनी जया जी बोलिए ना पढ़ा तो सही रहा हूं हाँ सर पढ़ा सही रहे हो बताओ ना रजिस्ट्रेशन लिमिट बताओ सर रजिस्ट्रेशन की लिमिट बताओ सर आप रजिस्ट्रेशन की लिमिट बता दू दस लाख बीस लाख चालीस लाख बता दो सर सर बता दो बार बार भाव क्यों खा रहे हो अरे रुको बाबू बता रहा हूँ बता रहा हूँ बाबू बता रहा हूं बता रहा हूँ बता रहा कब अरे गया ये रहूं। ये रहूं। चार ये रहा रहा चार है बेटा और छह ये और बाकी रेस्ट ये है चार में कौन कौन है मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा लिमिट एप्लीकेबल होगी दस लाख की चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो अरुणाचल मेघालय सिक्किम उत्तराखंड पोण्डिचेरी तेलंगाना लिमिट कितनी होगी बीस लाख की, की। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो चार में लिमिट दस लाख की है छह में लिमिट बीस लाख की है राजस्थान राजस्थान पहली कैटेगरी में आएगा दूसरी कैटेगरी में आएगा तीसरी कैटेगरी में आएगा बोल मुन्ना राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आता है बोलो ना राजस्थान पहली कैटेगरी में आएगा दूसरी कैटेगरी में आएगा या थर्ड कैटेगरी में आएगा बोल मुन्ना बोलो ना सर राजस्थान पहली कैटेगरी में नहीं आएगा राजस्थान दूसरी कैटेगरी में नहीं आएगा सर राजस्थान आएगा रेस्ट ऑफ द स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा बोलो ना चैट करो बेटा चैट करो राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आएगा तीसरी कैटेगरी में आएगा सर राजस्थान तीसरी कैटेगरी में आएगा पहली कैटेगरी की लिमिट दस लाख है चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो दूसरी कैटेगरी लिमिट है लाख चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो तीसरी कैटेगरी में डिपेंड करेगा अगर आप सर्विस में डील करते हैं केवल सर्विस में डील करते हैं तो लिमिट होगी बीस लाख रुपए केवल टिप 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 बरसा पानी कभी गीत कभी गाना के नाम सुना टिप टिप बरसा पानी टिप ए मुन्ना टिप टिप पानी है कोई फिल्मी गीत है मेरे हिसाब से सर है या नहीं है जरा जवाब दो टिप टिप बरसा पानी हाँ सर है हाँ सर है कोई बात नहीं टिप का मतलब बताऊं टिप का मतलब है आइसक्रीम पान मसाला अगर राजस्थान सर राजस्थान इसी कैटेगरी में आता है राजस्थान में केवल सर्विस में डील करोगे लिमिट होगी बीस लाख केवल टिप में डील करोगे लिमिट होगी बीस लाख गुड सर्विस दोनों में डील करोगे लिमिट 20 लाख और केवल गुड्स में डील करोगे टिप को छोड़कर लिमिट कितनी होगी बाबू 30 था बाबू समझ पता ही लिमिट का खेल क्लियर है क्या लिमिट का खेल क्लियर है या नहीं है बोलो नमन सर लिमिट क्लियर है 10 से ज्यादा है 20 से ज्यादा है 40 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा और अगर लिमिट टर्नओवर 10 से कम है

सब मिलके मैं राजस्थान में काम करता हूं और केवल सर्विस में डील करता हूं सब मिलके बोलिए कितनी लिमिट होगी बीस लाख बताइए एक किराने वाला राजस्थान में है किराने वाला वो गुड्स गुड्स में डील करता है राजस्थान में किराने वाला केवल कि कि गुड्स में डील करता है कि लिमिट कितनी होगी लिमिट कितनी होगी बताओ ना लिमिट कितनी होगी बताओ ना गुड्स केवल गुड्स में डील करता है वो राजस्थान के अंदर केवल गुड्स में डील करता है लिमिट कितनी होगी बाबू गुड्स में डील करेगा तो लिमिट होगी चालीस लाख रुपए केवल गुड्स में बीस लाख नहीं बाबू केवल ये लिखा ना एक्सक्लूसिव का मतलब केवल ही होता है बाबू इंग्लिश में एक्सक्लूसिव को बोलते हैं इंग्लिश में केवल केवल सर्विस में डील करेगा बीस लाख केवल टिप केवल केवल तो जानते हो ना तुम केवल नहीं जानते एक्सक्लूसिवली नहीं जानते केवल तो जानते हो हिंदी में केवल नहीं जानते ओनली ओनली जानते हो ओनली ओनली भाई रे भाई रे छठ छठ रहा है ओनली बोलो एक्सक्लूसिवली बोलो या केवल बोलो एक ही बात है केवल सर्विस में, करेगा, 20 और केवल, 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 केवल में करेगा, टिप को छोड़कर होते हैं हो। किराने वाला राजस्थान में केवल गुड्स में डील करता है किराने वाला राजस्थान में केवल गुड्स में डील करता है लिमिट कितनी होगी बाबू बोलना बाबू लिमिट कितनी होगी चालीस लाख बाबू सब कुछ लिमिट क्लियर है चार के अंदर लिमिट है पहली कैटेगरी में चार आते हैं लिमिट दस लाख होगी चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो दूसरी कैटेगरी में छह आते हैं लिमिट बीस लाख होगी चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो और बाकी जितने भी बचे राजस्थान एमपी हरियाणा सब आएंगे इसमें तो तीसरी कैटेगरी में केवल गुड्स में डील करेगा लिमिट होगी बीस लाख रुपए केवल टिप में डील करेगा लिमिट होगी बीस लाख रुपए गुड सर्विस दोनों में डील करेगा लिमिट होगी बीस लाख रुपए और केवल गुड्स में डील करेगा लिमिट होगी चालीस लाख कोई बताएगा राजस्थान के राजस्थान के राजस्थान के या एम रोड पर एम रोड पर मेरा एक शोरूम है एम रोड पर मेरा एक शोरूम है और शोरूम से मैं शोरूम से बाबू मैं शोरूम से गुड्स भी बेचता हूँ और सर्विस बेचता हूँ बताइए लिमिट कितनी होगी तो शोरूम से मैं गुड्स तो बेचता ही हूँ ए सी बेचता हूँ और एसी की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ ए सी भी बेचता हूँ और एसी की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ और शोरूम से मैं गुड्स में भी डील करता हूं। और सर्विस में भी डील करता हूँ लिमिट कितनी होगी बाबू बोलो ना लिमिट कितनी होगी सर लिमिट कितनी होगी सर बीस लाख होगी कितनी लिमिट होगी मेरी बीस लाख रुपए की क्लियर है जरा बताइए एमआई रोड के शोरूम से मैं केवल गुड्स में डील करता हूं केवल गुड्स में डील करता हूं लिमिट कितनी होगी बोलो केवल गुड्स में डील करता हूँ लिमिट कितनी होगी सर लिमिट होगी चालीस लाख बताया लिमिट होगी चालीस लाख रुपए और केवल सर्विस में डील करूंगा तब भी लिमिट कितनी होगी बाबू बीस लाख रूपये तो बताइए ज्यादा बेनिफिट किसको दिया गुड सर्विस वालों को दिया सर्विस वालों को दिया या केवल गुड्स वालों को दिया केवल गुड्स वालों को दिया बेटा बोलो बेटा बोलो केवल जो गुड्स में डील करते हैं उनको उनको ज्यादा बेनिफिट है बाकी ज्यादा बेनिफिट नहीं है जो केवल में गुड्स में डील करेगा उनको ज्यादा बेनिफिट बेनिफिट है सर बेनिफिट कैसे 40 लाख से ऊपर होगा तभी वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी वो जीएसटी पे करेंगे तभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और तभी जीएसटी पे करेंगे बाबू क्लियर है बोलो ना बाबू क्लियर है तो बताइए ज्यादा बेनिफिट किसको दिया ज्यादा बेनिफिट सर्विस वालों को दिया गुड्स सर्विस वालों को दिया या केवल गुड्स वालों को दिया बोलो बेटा

रजिस्ट्रेशन लिमिट सबको समझ में आ गई कि जल्दी बोलो बेटा बोलो आर्ची बोलो, बोलो नंदनी बोलो जय जी बोली क्लियर है हाँ। सर आ गई सर आ वही याद रखना पहला चैप्टर चल रहा बाबू याद रखना अच्छा अच्छा रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप क्या बनेंगे टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी देना पड़ेगा तो बताइए आईटीसी का सुख किसको मिलेगा आईटीसी का सुख रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा या अनरजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा बताओ ना आईटीसी किसको मिलेगा आईटीसी का सुख रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी का सुख मिलेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी का सुख नहीं मिलेगा कोई बताएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी क्यों नहीं मिलती बताओ ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी का सुख क्यों नहीं मिलता सर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स भी देता है उसे ही ITC मिलेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देता ही नहीं है उसे नहीं 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 मिलेगा। पे पे मिलेगा मिलेगा। कौन करेगा? करेगा। इसीलिए को और unregistered person, पे नहीं करता है, इसलिए उसको ITC भी सब मिलके मिल बोल दो ITC का सुख किसको मिलेगा आईटीसी का सुख केवल रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा क्लियर है बोलो ना बाबू क्लियर है कृष्णा बोलो ना क्लियर है हाँ सर क्लियर है क्लियर है क्लियर है अच्छा बताइए देखिए आप दो मिनट रुकेंगे आप लोग कहीं जाना मत बेटा कोई बता सकता है इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं दो चीज बताई थी मैंने इंट्रा स्टेट का बनेगा सप्लाई इन बोलो बेटा सप्लाई इन सेम स्टेट क्या बात है बेटा और दूसरा क्या बताया था सप्लाई इन सप्लाई इन बोला सप्लाई इन इन सेम यूटी याद है सप्लाई इन सेम स्टेट और सप्लाई इन सेम यूटी इसको बोलेंगे इंट्रा क्या बोलते हैं सप्लाई इन सेम यूटी क्या बोलते हैं इंट्रा क्या बोलते हैं इंट्रा. इंट्रा कोई बताएगा इंट्रा में कौन कौन सा लगेगा अगर ये वाला इंट्रा है इंट्रा में लगेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी और इस वाले इंट्रा में क्या लगेगा बताइए सी जी एस टी प्लस यूटी जी एस टी वेरी गुड मेरे बच्चा सर इस वाले इंट्रा में लगेगा सी जी एस टी एस जी एस टी और इस वाले इंट्रा में लगेगा सी जी एस टी एस एस टी यूटी जीएसटी कोई बताएगा इंटर किसे कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई डिफरेंट स्टेट डिफरेंट स्टेट और बच्चा दो स्टेट के बीच हो रहा है इंटर दो यूटी के बीच हो रहा है इंटर स्टेट से यूटी हो रहा है इंटर और इंडिया यूएसए हो रहा है इंटर दो स्टेट के बीच इंटर दो यूटी के बीच इंटर दो दो स्टेट के बीच इंटर दो यूटी के बीच इंटर स्टेट से यूटी इंटर और जो इंटरनेशनल सप्लाई होती है वो भी यहां पर इंटर मानी जाती है बाबू क्लियर है कि जल्दी बोल दे क्लियर है क्लियर है बोलो ना या चैट करो ना यार ऐसे क्या करते हो बोलो ना क्लियर है हाँ सर क्लियर है और इंटर में क्या लगता है कोई बताएगा आईजीएसटी लगता है आईजीएसटी और आईजीएसटी आई किस किस का टोटल होता है कोई बताएगा आईजीएसटी किस किस का टोटल होता है टोटल ऑफ टोटल ऑफ सीजीएसटी तो होना ही है प्लस या तो होगा एस जीएसटी और यह क्या होगा बोलो ना या तो होगा एस जीएसटी और यह क्या होगा बाबू बोलना एस जीएसटी और यूटी जीएसटी यही होगा यस सर yes, ये होगा कोई बताए आईजीएसटी पहले किसको मिलेगा आईजीएसटी पहले मोदी के पास मिलेगा के पहले मोदी के, के पास जाएगा पूरा ए जी मोदी के पास जाएगा पूरा एस टी पहले मोदी के पास जाएगा अगर अट्ठारह परसेंट का है, तो पूरा 18 पहले मोदी जी के पास जाएगा और मोदी जी क्या करेंगे मोदी जी क्या करेंगे 9 परसेंट तो रख लेंगे सीजीएसटी वाला हिस्सा तो रख लेंगे सीजीएसटी वाला हिस्सा तो रख लेंगे और आधा जो हिस्सा है ना आधा हिस्सा वो किसको मिलेगा आधा हिस्सा मिलेगा आधा हिस्सा या तो मिलेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को या या मिलेगा यूटी गवर्नमेंट को बाबू क्लियर है आधा हिस्सा किसको मिलेगा आधा सेंटर को मिलेगा और आधा मिलेगा स्टेट को या यूटी को बाबू क्लियर है ना बोलना बाबू क्लियर है हाँ सर क्लियर है हाँ सर क्लियर है बोलो ना यार ऐसे चैट तो कर दिया करो बाबू हाँ हाँ सर है. अच्छा, क्लियर है अच्छा क्लियर है बेटा हाँ सर क्लियर कोई दिक्कत नहीं है क्लियर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक मिनट रुकेंगे कहीं नहीं जाएंगे इंट्रा में क्या क्या लगता है सी जी एस टी एस जी एस टी या लगता है सीजीएसटी यूटीजीएसटी अच्छा बता इंट्रा में यही लगता है ये सर CGST का पैसा किसको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा ना बेटा यस सर जीएसटी का पैसा किसको मिलता है बोलो स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा यूटी जीएसटी का पैसा भी किसको जाएगा किसको जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे अलग इसकी अलग पॉकेट मेंटेन होगी ना इसकी अलग पॉकेट मेंटेन होगी और उस पॉकेट का इस्तेमाल उस वाली यूटी के डेवलपमेंट के लिए होगा पॉकेट के के yes, तो हो का इस्तेमाल तो अच्छा अच्छा, इंटर में क्या लगता है इंटर में क्या लगता है बोलो ना. इंटर में क्या लगता है बोलो इंटर में क्या लगता है आईजीएसटी 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 किस किस का टोटल होता है बोलो आईजीएसटी किस किस का टोटल होता है सीजीएसटी प्लस एस जीएसटी यही होता है बेटा हाँ ना बोलो हाँ सर यही होता है और आई पहले पूरा पहले मोदी को मिलेगा तो तो पहले मोदी को पहले मोदी उसमें से नो परसेंट तो रख लेगा नो परसेंट तो रख लेंगे कौन सा वाला हिस्सा रख लेंगे कोई बताए कौन सा वाला हिस्सा रख लेंगे कौन सा वाला हिस्सा रख लेंगे सीजीएसटी वाला हिस्सा तो रख लेंगे सीजीएसटी वाला हिस्सा तो रख लेंगे और आधा जो तो बचा है नौ परसेंट वो किसको मिलेगा आधा जो नो no परसेंट है वो किसको मिलेगा आधा किसको देगा आधा रख लेगा आधा किसको देगा आधा किसको देगा आधा देगा सर स्टेट को और यूटी को स्टेट को यूटी को कौन सी वाली ओरिजिन वाली है डेस्टिनेशन वाली ओरिजिन वाली या डेस्टिनेशन वाली डेस्टिनेशन वाली बाबू क्लियर है बोलो ना बाबू क्लियर है आ, सर क्लियर है 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 बाबू बोलो ना क्लियर है हाँ सर क्लियर है अब अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे पहले बताओ ये क्लियर है क्या पूरा बोलो ना बाबू निखिल नंदनी जो भी पढ़ रहे हो क्लियर है हाँ सर क्लियर है चलिए कल चालू करते हैं अगला चैप्टर